हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, आज मेरे पास है आईक्यू प्योर से आईक्यू C9S, और मैं कह सकता हूं दोस्तों कि आज के डेट में इस प्राइस रेंज में ये कमाल का फोन है। वहीं पे बात करें दोस्तों प्राइसिंग की, तो इसका जो लॉन्च प्राइस है, बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूं, जो कि है 8GB 128GB, ऐसे तो 20,000 है, लेकिन वहां पे कार डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो इसका इफेक्टिव प्राइस है वो केवल 18,000 है। और इस प्राइस रेंज में वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस फोन में, जिसकी एक नॉर्मल यूजर की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो में इसकी एक अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फर्स्ट लुक के बारे में बात करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, इस फोन के ऊपर बहुत सारी वीडियो आने वाली है, जैसे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट, चार्जिंग स्पीड टेस्ट, कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये रहा बैग जो कि अमेज़न की ओर से प्रोवाइड किया गया है, तो इसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा मुझे। इसके अंदर एक और बॉक्स देखने को मिलता है, और ये रहा बॉक्स। इसके अंदर आईक्यू C9S का बॉक्स देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं आईक्यू C9X। इसके दो कलर वेरिएंट हैं, जो मैंने मंगाया है ना वो है ऑनेक्स ग्रीन, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ हाईलाइट फीचर तो नहीं मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं, केवल सार वैल्यू मेंशन किया गया। तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा ओपन काफी दोस्तों, थोड़ा सा बॉक्स का कलर चेंज हो गया है यहाँ पे, आपने देखा होगा पहले जो कलर था बॉक्स का वो अलग देखने को मिलता था। सबसे ऊपर यहाँ पे आपका फोन देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह का फोन देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों और बॉक्स कंटेंट की, तो एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाएगा, जो कि एक महीने के अंदर पीला पड़ जाएगा। यहाँ पे कुछ यूजर्स मैनुअल है, और यहाँ पे 44 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे USB Type-C, और एक यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल। यहाँ पे अभी भी मैं कहूँगा दोस्तों, पूरी तरह से जो बॉक्स में कंटेंट मिलते हैं वो आईक्यू प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से साइड में करता हूँ, आ जाते हैं मेन फ़ोन पे। रहा दोस्तों फोन, और इन हैंड फील की बात करूँ दोस्तों, बहुत ही स्लिम फोन है। आपको भी पता होगा दोस्तों, इस फोन में 5500 की बैटरी देखने को मिलती है, बावजूद उसके बहुत ही लाइट और साथ में बहुत ही स्लिम फोन है। तो इसके पर्दे को भी हटा देते हैं। वाओ, नो डाउट दोस्तों, लुक वाइज काफ़ी प्यारा फ़ोन लग रहा है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही स्लिम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। बात करें दोस्तों इसके फिजिकल ओवरव्यू की ना, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में वॉल्यूम अप डाउन एंड साथ में पावर बटन देखने को मिल जाता है। अपर साइड की बात करें तो यहाँ पे एक नॉइज़ कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं देखने को मिलता है। और नीचे साइड में आप देख सकते हैं Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, एक और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिलता है। एक बार ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि सिम ट्रे क्या देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों सिम ट्रे की, तो यहाँ पे ड्यूल सिम देखने को तो मिलता है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, यानी कि मेमोरी कार्ड यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। आईक्यू C9S के स्पेसिफिकेशन की, यहाँ पे मेन हाईलाइट फीचर जो है इसका डिस्प्ले है। इस प्राइस रेंज में आपको 3D कर्व ग्लास देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड है, और साथ में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना वो कमाल का है, यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का है। वहीं पे दोस्तों बात करें इसमें बैटरी की, तो ह्यूज बैटरी देखने को मिलती है, 5500 की बैटरी देखने को मिलती है। साथ में जो अगर चार्जर की बात करूँ, तो इन द बॉक्स आपको 44 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपके फ़ोन को आधे घंटे में 50% चार्ज कर देता है। वहीं पर बात करें दोस्तों स्पीकर की, तो यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। इसका जो ऑडियो आउटपुट है ना वो भी कमाल का है। सब बात करें दोस्तों प्रोसेसर की, तो काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है जो इसमें यूज़ किया गया है, मीडियाटेक का 7300, जो कि 4 NM पे बेस्ड है, और इसका जो अंततु बेंचमार्क स्कोर आता है ना लगभग 7 लाख के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मल गेमिंग में भी किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे बात करें दोस्तों कैमरे की, तो यहाँ पे जो रेयर कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो कि OIS को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को नहीं मिलता है। साथ में दोस्तों 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे रेयर कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें, तो यहाँ पे 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है उससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज में ये जो फोन है वो कमाल का फोन है, किसी तरह का कोई यहाँ पे प्राइस कट नहीं किया गया। हाँ, यहाँ पे मैं कहूंगा दोस्तों, फोन तो ऐसे पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन जो
जो इन हैंड फिले है वो कमाल का है, लुक वाइज बहुत ही कमाल का फोन है। हाँ यहाँ पे दूसरा कलर है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो कलर है वो कमाल का है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इस पे बहुत सारी वीडियो आएंगी, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, धन्यवाद।